कांग्रेस का एक बहुत पुराना नारा है, करो या मरो। इस नारे में कायरता की कोई जगह नहीं है, स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। अपनी निजी महत्वाकांक्षा से बड़ी देश के लिए महत्वाकांक्षा है। इस नारे में धैर्य है, त्याग है, तपस्या की भावना है। मैं आज आपके सामने, मेरे कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्तागण, नेतागण, पदाधिकारी, मैं इस नारे को दोबारा जीवित करना चाहती हूं। मैं कहना चाहती हूं कि एक बार फिर वही समय आ गया है कि या तो करो या मरो। ये एक बहुत अलग तरह की लड़ाई है। आज इस देश में जनता से लूट हो रही है। आप किसी भी गली में जाएं, किसी भी मोहल्ले में जाएं, किसी गांव में जाएं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, वह सिर्फ एक बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का, मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है ये सरकार, सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है।